मेरे साथ है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन जी ओवैसी सर जैसलमेर आए हैं। हम इनसे बात करेंगे राजस्थान में, खासकर अशोक गहलोत की जो टेरिटरी है उसमें कई जगह घूमे हैं, जोधपुर गए हैं, बाड़मेर गए हैं, बालोतरा गए हैं। सर क्या है, कोई स्ट्रेंथ लगाने की बात है अशोक गहलोत के टेरिटरी में, मुसलमानों में खास वोट बैंक को डाइवर्ट करने की बात है? नहीं, हम तो हमारे पार्टी के विधानसभा जो आने वाले चुनाव है उसकी तैयारी के सिलसिले में राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट में, शहरों में जा रहे हैं और पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदारों से मुलाकात कर रहे हैं। ये हमारा ऑनगोइंग वर्क है। जी जी। और खासकर सचिन पायलट ने कल एक बहुत बड़ा बात कही है कि जब जो राजस्थान चुनाव होते हैं बरसाती जो नेता होते हैं वो आ जाते हैं, तो इसका क्या मायने निकला जाए, इसका क्या मतलब निकाला जाए? उनसे पूछिए, वो एक बार किसी बरसात में वो तो मुख्यमंत्री बनने के निकल गए थे, दिल्ली में दिल्ली की गर्मी में आगे बढ़ गए थे, फिर वापस राजस्थान के बरसात में आ गए, वो ही बता सकते हैं। वो माने बरसात के मौसमी वैज्ञानिक के एक्सपर्ट हैं, वो उन्हीं से पूछिए। तो ये कहना है कि जब राजस्थान चुनाव है तभी आपको राजस्थान की याद आई है, पूरे 4 साल निकल गए आप नहीं? कम से कम हम जब हम टोंक को गए तो उनको टोंक तो याद आ गया, इतना तो हम उनको याद दिला दिए कि भाई आप यहाँ से विधायक हैं, देखिए जरा राजस्थान में क्या संभावना। तीसरा मोर्चा गठन करने की बात हो रही है तो उसका फायदा बीजेपी को भी हो सकता है क्या आपके? देखिए फायदा होगा नुकसान होगा हमको उसकी परवाह नहीं है। हम अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए काम करेंगे और अगर किसी से अलायंस होता है तो फिर उस अलायंस के लिए भी, कामयाबी के लिए हम काम करेंगे। तो तीसरा मोर्चा की क्या संभावना है देखिए वक्त बताएगा अभी। और सबसे बड़ी बात जो है अभी अशोक गहलोत इन दोनों के बीच में चल रहा है, अभी जो वीरंगनाओं को लेके भी कई बातें आई कि जो पुलवामा की जो वीरंगनाएं थी उसको लेके भी कई राजनीति हो रही है अशोक गहलोत जी। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम मुख्यमंत्री उनसे मिल लेते, बुला लेते उन लोगों को, इतना बड़ा इशू नहीं बनता, बुला के बात कर लेते उन लोगों से, इतना बड़ा इशू नहीं बनता। तो आपके जो ये आना राजस्थान में आना क्या लगता है इसको बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बातें हो रही है? क्योंकि हम जब नहीं भी आए तब बीजेपी को फायदा हुआ जी, इसलिए लोकसभा चुनाव जो विधानसभा चुनाव के 4 या 5 महीने के बाद हुए, एक भी सीट पर कांग्रेस नहीं जीती, ये बात बिल्कुल गलत है। हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा हक बनता है और जिन्होंने जुल्म किया है, जो तकलीफ दी है, उनको डरने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात जो आ रही है आपके बारे में आरोप लगते हैं कि जैसे नसीर जुनैद के बारे में आप उन्हीं की पैरा की, और भी कई प्रकार के लोग, तो आप उनकी और समाज के लोगों के बारे में तो आप बात नहीं करते कभी? नहीं, हम तो जब कन्हैया लाल कहा सबसे पहले हमने ही कंडेम उसको किया था जी। नसीर जुनैद के पास कोई गया ही नहीं जी। हमारे जाने के बाद तमाम राजनेता वहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री को हमने कहा कि आप क्यों नहीं जाएंगे, जाइए, चैलेंज किया तो उनको जाना पड़ा भाई। देखिए जब, और एक चीज ये बताइए कि जब कन्हैया लाल की हत्या हुई, जिन्होंने किया वो टेररिस्ट है, आप वहां पर 50 लाख एक नौकरी देते हैं, जिन्होंने जुनैद नसीर को मारा वो भी तो टेररिस्ट हैं, उनको आप सिर्फ 3 गवर्नमेंट स्कीम में 15 लाख सरकार देती है, नौकरी नहीं देती है। तो इंसान तो इंसान है ना भाई जी। अब जैसा एक दलित सिर्फ मूंछ छोड़ने पर, पानी पीने पर हत्या कर देगी, उसको आपने 15 लाख दिया, ये आप डिफरेंस क्यों कर रहे हैं अशोक गहलोत? मरने वाला तो इंसान है, किसी का नाम जितेंद्र हो सकता है, किसी का नाम जुनैद हो सकता है, किसी का कन्हैया हो सकता है जी। तो मौत में भी आप फर्क कर रहे हैं, तो ये बड़ी छोटी सोच है मुख्यमंत्री की। और जो गुटबाजी चल रही दोनों नेताओं के बीच में, उसको आपको कितना सा फायदा हो सकता है? मेरे अंग है ना, मुझे क्या करना है उनके झाड़े से, वो तो शुरू से है, तो शुरू से है और आगे भी रहेगा। और खासकर आपने घुसपैठ यहाँ भी किए, सिंह में जैसे अमीन खां है, यहाँ की सिंधी समुदाय है, तो ये माना जा रहा है कि आप कहीं घुसपैठ या कहीं वोट बैंक को करने के लिए? देखिए इस तरह का जो जुमला इस्तेमाल करना गलत है जी। हमें एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक है हमारा, हम अपना काम करेंगे। आपने कल भी एक बात कही थी कि जो है मुसलमानों की स्थितियाँ जो है देश में ठीक नहीं है, कई सर्वे भी कराने की आपने की बात की। हाँ, हमने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हमने रिक्वेस्ट किया है जी कि आप लोग राजस्थान के मुसलमानों के बारे में, उनके सोशली, एजुकेशनली, हेल्थ, पॉवर्टी और बैंकिंग सेक्टर में कितना उनका इन्वॉल्वमेंट, उसमें उनको मिलता है सहूलतें, इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। 26 मार्च के बाद हमारी कोशिश होगी उस रिपोर्ट को जनता के सामने रखा जाए और हम गवर्नमेंट के डेटा से बताएंगे कि किस तरह
चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने मुसलमानों के एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए सोशली इकोनॉमिकली कुछ नहीं किया। वो डेटा खुद बताएगा, वो रिपोर्ट पे आएगा जब। तो राजस्थान में कितने सीटों पे आप? अभी तो बहुत जल्दी है। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी, जो बता रहे थे कि वे जो है अपनी जो पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे मारवाड़ का, पूरे पश्चिमी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सचिन पायलट पर भी, उन पर उन्होंने कई व्यंग कैसे कई प्रकार के कमेंट्स किए। इसके अलावा अशोक गहलोत के बारे में भी उन्होंने बताया कि वीरंगना, जो पुलवामा की वीरंगना का माला है, उनको उनसे मिलना चाहिए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको मिलना चाहिए था तो काफ़ी अच्छा रहता। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि राजस्थान में जो है वो कोई बीजेपी को फायदा पहुंचाना नहीं आए हैं, बीजेपी उनके आने से नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ना, वे तो अपनी पार्टी को मजबूत करने के इरादे से पूरा एरिया में विजिट कर रहे हैं, जा रहे हैं। तीसरा मोर्चा गठित होगा अगर नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन वे लगातार राजस्थान में आते रहेंगे और अपना गढ़ को मजबूत करते रहेंगे। विमल भाटिया।